जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप एक बार सबसे पहले पीछे भीड़ देख लीजिए, ये जितने भी भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये सब मजदूर है। और अभी हम ECL के 0 पॉइंट में मौजूद हैं और यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चीज का प्रदर्शन है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, यहाँ हम लोग का जो है लोडिंग का काम हो रहा था, लोकल सेल लोडिंग का काम हो रहा था यहाँ पे। हम लोग शुरू से, हम लोग जब से छोटे थे तब से ये काम चल रहा है। और अभी हम लोग का जो है ज़मीन जगह जितना भी था सारा तो ACL ले लिया, सबको पता है। अभी हम लोग के पास ना खेती बाड़ी करने के लिए कुछ है और ना और कुछ है हम लोग का साधन। अभी हम लोग का एक ही साधन था, यही जो लोडिंग है, इसमें हम लोग का नून रोटी जो भी चलता था तो इसी में मेरा हम लोग का चलता था और इसी में हम लोग रोजी रोजगार चलते थे जैसे भी होता था। अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि इसमें हम लोग लगभग 600-700 मतलब लड़का आदमी, बूढ़ा से लेके जवान तक, युवा लड़का तक, इतना आदमी का जो है रोजगार इसी से चलता था। अभी हाँ, अभी लगभग इसमें से बहुत आदमी मतलब जो है 100-150-200 चल गया है, क्योंकि सब बाहर जाएगा तो नहीं चलेगा। उसमें से भी बाहर जाके बाहर में भी काम नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ 5-6 महीना 7 महीना से अभी बंद है यहाँ, इसमें डीओ लोडिंग। अभी हालत ऐसा हो गया कि भूखमरी के जैसा जो है ना हालत हो गया। एक टाइम खाना जो है खा पाते हैं कोई, तो एक टाइम नहीं खाते हैं, उस तरह का हालत हो गया है। अभी हम लोग इसमें जो है लिखित दिए हैं, चिट्ठी दिए हैं, ये अभी हम लोग का जो है, हम लोग 29 तारीख को लिखित दिए, चिट्ठी दिए हैं। अभी हम लोग सिर्फ आगाह करने आए हैं कि अगर हम लोग को 29 तारीख से पहले अगर क्लियर नहीं किया इस डीओ लोडिंग का, हम लोग का मांगे, तो फिर इसमें हम लोग बहुत जोरों शोर। अभी हम लोग पहले सरकार में रहने के बावजूद सरकार का झंडा लेके आप लोग ECL के नहीं, हम लोग देखिए हम लोग दूसरे के पास थे, ऐसा बात नहीं कि हम लोग अभी सरकार के पास हम लोग आज आए, हम लोग शुरू से हैं। लेकिन हम लोग इस काम के मैटर में जब गए, अभी हम लोग विजय अजदा MP साहब के पास गए तो वो बोले कि नहीं, अगर ऐसा बात है रोजगार अगर इतना ख़राब है तो सपोर्ट रहेगा। और जहाँ तक वो हम लोग को भी आश्वासन दिया है कि तुम लोग का काम किसी भी हालत में कुल मतलब कितने लोग काम करते थे इसमें, हम लोग हजारों के तादाद में लगभग है। कौन-कौन गांव का इसमें भोड़ा है, सब जितना विस्थापित है टोटल है, प्रभावित भी इतना है, सब टोटल गांव है यहाँ, लगभग 8-10 गांव का यहाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या कि देखिए अभी जितने प्रभावित क्षेत्र के आदमी हम लोग हैं और एक एक गाड़ी में लोड करके हम लोग को कितना रोजी रोटी मिलता, 300-350 इसमें रोजी रोटी चलेगा। ECL मैनेजमेंट को हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं, उन लोगों को सरकार का सहारा लिए हैं, देखिए मैनेजमेंट क्या बोलता है, नहीं तो फिर हम लोग 29 तारीख को आने वाला 29 तारीख को फिर हम लोग यहीं पे आ जाएंगे, फिर देखिए क्या होगा। उसके बाद हम लोग उसमें लिखित दिए। ये जितने भी लोग देख रहे हैं आप, ये सब लोग मजदूर हैं और यहाँ पे काम करते थे। फिलहाल बोला जा रहा है कि 6-7 महीने से इनका जो काम है पूरा तरफ से ठप हो चुका है और लोग बाहर भी जा रहे हैं तो घूम के वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको बाहर में भी काम नहीं मिल रहा। फिलहाल ECL की तरफ से इन्होंने जो मांग रखी है वो फिलहाल कोई भी तरह का यहाँ पे उनके तरफ से वार्ता नहीं हुआ है और ये लोग जाम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि 29 तारीख को फिर से ये लोग यहाँ पे जाम करेंगे। और ये जितने भी लोग, इनका कहना है कि इनको रोजगार मिले, ये लोकल लोग हैं और इन काम करना चाहते हैं और इनको रोजगार मिले। फिलहाल अभी किसी भी तरह की ECL से कोई वार्ता नहीं हुई है। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें जिला टॉप के साथ में इसी तरह की खास खबरों के लिए। क्या आप भी बेहतर माइलेज के साथ स्मार्ट लुक की बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आसान किस्तों में बाइक लेना चाहते हैं? तो आपके लिए है खुशखबरी। जी हाँ, आपके शहर मागामा में खुल चुका है यामाहा का न्यू हीरा मोटर शोरूम, जहाँ आपको यामाहा की बाइक मात्र 40,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ मिल रही है और यामाहा की स्कूटी मात्र 30,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो अब आपका सपना नहीं रहेगा अधूरा। आज ही पहुंचे और अपनी पसंदीदा यामाहा की बाइक्स को विजिट करें। हमारा पता है केचवा चौक ललमटिया रोड महागामा हीरा मोटर्स। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।